करनाल के मंगलसेन ऑडिटोरियम में गीता जयंती महोत्सव का शुभारंभ किया गया। जिला प्रशासन की ओर से इस कार्यक्रम का घरोंडा विधायक हरविंदर कल्याण ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर गीता के उपदेश पर आधारित विभिन्न प्रकार के ज्ञानवर्धक स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें पहुंचकर शहर के गणमान्य व्यक्ति व आसपास के ग्रामीणों ने गीता ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर घरोंडा के विधायक हरविंदर कल्याण ने कहा कि गीता जीवन जीने की कला है। जो जीवन में भ्रांतियां होती हैं, उनको गीता के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। इसके पढ़ने से जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि जीवन में मेहनत करने से ही आगे बढ़ा जा सकता है, शॉर्टकट ज्यादा बेहतर नहीं होते, इसलिए हमेशा कर्म में विश्वास रखना चाहिए। इस मौके पर विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका हरविंदर कल्याण द्वारा अवलोकन किया गया। इस मौके पर जिला उपायुक्त विनय प्रताप सिंह के अलावा जिला के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। जयंती का उत्सव मनाया जा रहा है करनाल में 3 दिन के लिए, आज अवलोकन किया क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत खुशी का विषय है कि आज गीता जयंती का जो कार्यक्रम करनाल के अंदर है उसका शुभारंभ हुआ है। साथ साथ सभी विभागों की, अन्य संस्थाओं की यहाँ पर प्रदर्शनी, उसका भी शुभारंभ हुआ है। और एक बहुत अच्छी शुरुआत ही हरियाणा प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पिछले वर्षों में जो की थी, और एक अच्छा इसका नतीजा, एक अच्छा जो एक प्रयास मुख्यमंत्री जी का एक सोच थी कि एक गीता जो एक जीवन जीने की एक कला है वो हर व्यक्ति के अंदर ये आना चाहिए, और कहीं ना कहीं जीवन के बारे में एक स्पष्ट सोच भी बनती है, एक क्लैरिटी भी एक जीवन के बारे में, क्योंकि एक भ्रांतियाँ जो जीवन जीते हुए अन्य जीवन में कई बार इस तरह से आती हैं, मैं समझता हूँ कि गीता का अध्ययन करने से वो सभी भ्रांतियाँ भी दूर होती हैं और हम अपने कर्म के प्रति और ज़्यादा गंभीर होते हैं, क्योंकि जो भी हमारे जीवन का आधार है वो कर्म है। और मैं आज इस मौके पर सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बिल्कुल, वो किया हुआ सर। युवाओं को क्या संदेश देंगे गीता के? देखिए, मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष का राह चुने, मेहनत करें। मेहनत करने का जज्बा हर बच्चे में, हर युवा में होना चाहिए। और शॉर्टकट का कई बार व्यक्ति सोचता है कि शॉर्टकट से जीवन में आगे बढ़ना है, मगर वो सबसे स्लिपरी होता है। और जो बच्चा, जिस बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार हैं और ख़ास तौर पर मेहनत करने की एक आदत जिस बच्चे के अंदर होगी, वो जीवन में निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ता है और अपने जीवन में जो भी कार्य वो करता है उसको अच्छे तरीके से करता है, अच्छे अंजाम पर। जिला स्तर द्वारा भी प्रदर्शनी लगाई जाएगी गीता के महोत्सव, गीता के बारे में कुछ ऐसा? नहीं, समय समय पर ये किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मनाया जा रहा है पूरा हरियाणा में, ये पूरे हरियाणा प्रदेश में। सर, जहाँ गीता जयंती का चल रहा है महोत्सव, वहाँ पे पूर्व दो मुख्यमंत्री पर ईडी की कार्रवाई भी चल रही है, उस पर बीजेपी क्या कहना चाहेगा? देखिए, ये सब कानूनी प्रक्रियाएं हैं, इसके ऊपर कोई मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।